कितना पावर बनाता है एटी वन पावर कितना टॉर्क बनाता है वन वन टू न्यूटन मीटर्स पहले से थोड़ा कम हो गया है बट हाउ इज द रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस चलो एक जीरो टू हंड्रेड टेस्ट करते हैं We saw the acceleration of the new Swift. Now, let's do a braking test. It is now time for a braking test with the new Swift. I'll take the car to seventy kilometers an hour and stand on the brake pedal. ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इज यू गेट ड्रम्स एट द बैक द फ्रंट ब्रेकिंग परफॉर्मेंस गाड़ी में थोड़ी मूवमेंट आ गई एक्सडेशन हो क्वालिटी कैसी है लेट्स सी दैट टाइम फॉर अ बैड रोड टेस्ट विदिफ्ट देखते गंदे रोड पे कैसी है नाव सी द राइड इज क्विट प्लान कार्यो इजी टू ड्राइव एंड ट्रैक्टेबल

एंड द ड्राइंग पोजिशन इज़ वेरी नाइस तो यहाँ पे वैसे विजिबिलिटी भी अच्छी मिलती है स्पोर्टिंग फील मिलती है सिमिलर टू दर्ड जनरेशन स्विफ्ट एंड ना विल सी द रियल सीट विच आई थिंक विल बी अ लिटिल डिसपॉइंटिंग डोर तो वाइड खुल जाता है बट अंदर जाने की जगह थोड़ी लिमिटेड है यहाँ पे एंड इट फील्स अ लिटिल टू टाइट तो वही है बट बाहर आने में इट इज ईजी एंड आई थिंक दैट्स अबाउट इट बलेनो हैज मच बेटर स्पेस

नेक्स्ट टेस्ट इज गोइंग टू बी अलाइटली यूनिक वन नाउ बिकॉज दिस इज अव इंजिन देखते इंजिन कितना नॉइजी है कितना साइलेंट है कितना रिफाइंड है सो वॉट आई डू इज आई है इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मैं ऑन करके आपको दिखा दूंगा वीडियो में नाउ आल स्टार्ट दिस कार आल कीप माई फोन ओवर ईयर देखते कितना आवाज आता है सो विद इंजिनट आइडल इट इज शोइंग अराउंड ट्वेंटी फाइव डी बी पूरा रेफ करके 86 dB तक जा रहा है गाड़ी के अंदर कितनी आवाज आती है लेट्स सी दैट नाउ सो इफ आई रेफ द कार लॉट गाड़ी के बाहर 80 dB के ऊपर थोड़ी आवाज आ रही है एंड इनसाइड द कैबिन इट इज अराउंड 65 66 dB कैसा लगा आपको डू यू वांट टू सी दिस टेस्ट विद मेनी अदर कार्स बताओ

उंड क्वालिटी इज डीट आउट से इट इज एक्टलीट ऑफ द फ्रॉन्स एंड क्वालिटी एंड आप फुल वॉल्यूम बे भी मतलब आराम से सुन सकते हैं गाने वैसे ज्यादा डिस्ट्रॉक्शन नहीं होता एंड यू कैन प्ले अराउंडलाइजर सेटिंग इट इज नॉट टाइम फॉर द बॉटल होल्डर विदिफ्ट देखते गाड़ी में कितनी वन लीटर बॉटल फिट आती है इट इज टाइम फॉर द रिपोर्ट कार्ड फॉर द न्यू स्विफ्ट अब इसकी जो रिटेल प्राइस है दट इज सेवन पॉइंट सिक्स सेवन लाख रुपीज टू इलेवन पॉइंट थ्री टू लाख रुपीज ऑन रोड मुंबई फॉर अ लिटल मोर फॉर सेवन एट थाउजेंड रुपीज मोर यू गेट द बेले नो बॉज दैट रिटेल्स एट सेवन पॉइंट सेवन फोर लाख रुपीज टू इलेवन पॉइंट थ्री नाइन लाख रुपीज ऑन रोड मुंबई द स्विफ्ट इज अ वेरी गुड कार ऑफकोर्स थर्ड जनरेशन के ऊपर इसमें थोड़े इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं इन टर्म्स ऑफ लुक्स आउट साइड द थर्ड जनरेशन लुक्स बेटर बट इन टर्म्स ऑफ द ड्राइंग फील दिस वन इलाइटली बेटर एक सिलेंडर कम हो गया है बट द इंजन इज़ नाइस पेपी फील होता है फॉर श्योर इट इज़ मोर एफिशिएंट आल्सो एंड कंपेयर टू द थर्ड जनरेशन दिस वन हैज मोर फीचर्स बट कुछ कुछ चीज़ें अभी भी मिसिंग है जस्ट लाइक अ रियर सेंटर हैड रेस्ट एंड आर्म रेस्ट एट द फ्रंट एंड द बैक एंड ऑटो डिमिंग आर वी ये सब चीज़ें इसमें आपको नहीं मिलती

<laughs> काफ़ी कंफ्यूजिंग होने वाला है सो दिस इज वॉट आई थिंक ऑफ बोथ ऑफ दिस कार्स द स्विफ्ट इज मोर फन टू ड्राइव द बलेनो इज अ लिटिल मोर प्रैक्टिकल एंड नाउ इट इज योर टर्न मैंने तो आपको बता दिया नाव यू टर्न वॉट विल यू बाई स्विफ्ट और बलेनो और एनी अदर हैच बैक इन दिस प्राइस बैंड ग्रैंड नाइट एन नियगो एल्ट्रॉज आई ट्वेंटी बताओ नीचे कॉमेंट सेक्शन में